और आज ना पहाड़ों का लोकेशन इतना प्यारा आ रहा है, पहाड़ इतने प्यारे दिख रहे हैं बहुत ही, और हरियाली इतनी अच्छी लग रही है आज ना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला कैसे हुआ, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं आरती कुरंगा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है सुबह के 7:30 बजे से, और मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है आज। और कल रात ना बूंदाबांदी हुई और बहुत तेज हवा चल रही थी, और कल शाम कह रही थी मैं कि बारिश हो सकती है करके, बादल छाए हुए थे, तो आज देखो बारिश हो चुकी है। और इतना प्यारा ये पहाड़ों का लोकेशन इतना प्यारा आ रहा है, बहुत ही प्यारा लोकेशन आ रहा है। और हमारी पूरी रोड गीली हो चुकी है और हमें यहाँ पे छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं है। तो नवनीत और भावेश भी आ चुके हैं बाहर पे और हम बना रहे हैं शॉर्ट्स। आज शॉर्ट्स में भी ना बहुत अच्छा व्यू आने वाला है। तो सासू माँ भी आ चुकी हैं और अभी गई हैं ऊपर दुकान पे, कुछ काम था उनको। सूर्य भगवान भी बादलों के भीतर छुपे हुए हैं और बादल देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों हमारा खाना ना सुबह सुबह ही बन जाता है, सुबह सुबह उठ के जल्दी उठ के मैं झाड़ू पोछा खाना पीना सब बना लेती हूँ। और संडे को ही हमारा रूटीन थोड़ी गड़बड़ हो जाता है, लेकिन और दिन रूटीन बिल्कुल प्रॉपर रहता है। फिर उसके बाद उजाला होती है, हम बाहर आ जाते हैं शॉर्ट्स बनाने के लिए। और आज नीचे धूल लक्कड़ नहीं है, तो बच्चे जितना मर्जी उछल ले, नहीं तो नवनीत को बोलना पड़ता था उछलो मत खेलो मत, ये बिल्कुल मिट्टी मिट्टी कर देता था कपड़े। एक आज कोई टेंशन नहीं, तुम कितना भी उछलो कूदो खेलो कुछ भी करो, लेटो फेटो। हाँ तो बच्चे जाने लग गए हैं स्कूल को, और हस्बैंड जी जा रहे हैं छोड़ने के लिए, और घंटी बज चुकी है घर पे, तो स्कूल ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक ही है। और सासू माँ भी आ चुके हैं गांव से। तो दोस्तों फाइनली धूप आ चुकी है और मौसम इतना मस्त हो रहा है, और हवा चल रही है साथ साथ, थोड़ी गर्मी भी हो रही है थोड़ा ठंडा भी हो रहा है। बादलों के बीच से सूर्य भगवान ने दर्शन दे ही दिए हैं, और आगे पहाड़ों के साइड को काले बादल हैं। तो दोस्तों नाश्ता पानी हो चुका है और मैं यहाँ पे ब्लाउज में हुक लगा रही हूँ। तो यहाँ पे दो ब्लाउज रखे हुए हैं, एक मेरा है एक मम्मी का है। तो ब्लाउज थोड़े बाजू डिजाइनर बना रखे हैं मैंने, तो ये वाली डिजाइन डाल रखी है, और बैक पे भी डिजाइन है, और बैक पे कुछ इस तरह का डिजाइन है, तो आजकल चल रखा है काफी ट्रेंड में। और ये है मम्मी का ब्लाउज जो सिंपल है, और वैसे भी मम्मी लोगों को सिंपल ब्लाउज ही पसंद आते हैं, उनको डिजाइनर बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। दिन के 1 बज चुके हैं और मैं बना लेती हूँ खाना, क्योंकि थोड़ी देर में बच्चे भी आ जाएंगे। तो खाने में बन रहा है झोली भात। तो दोस्तों झोली भी बनके रेडी हो चुकी है और इसमें चावल चढ़ा दिए हैं मैंने, और अब जाती हूँ बाहर, बच्चे भी आते ही होंगे। तो बच्चों की भी छुट्टी हो ही चुकी है, बस भी चली गई है। तो नवनीत को ज्यादा ही गर्मी लग रही है ना, देखो स्वेटर खोल के आ रहा है, बाहर ठंडा हो रहा है इतना, ये स्वेटर खोल के आ रहा है देखो। तो नवनीत आ गया है, भावेश ऊपर ही है अभी, पता नहीं क्या कर रहा है उधर, पीछे पीछे क्यों मुड़ रहा है उधर। नवनीत के दोस्त आ रखे हैं अभी, ये फिर से एक और प्रोजेक्ट बनाने के लिए आए हैं। एक तो है इनके पास, एक और बना रहे हो ना? दो टीम। मैंने कहा है कि वो वापस बना लो, क्योंकि वो उसको दिखाने के लिए चाहिए। अच्छा, ये दिखाने के लिए, दूसरा बनाओगे वो तो दिखाने के लिए होगा। और बाहर का मौसम फिर से बारिश वाला हो गया है, फिर से बादल आ गए हैं। तो बच्चे यहाँ पे सभी आ गए हैं और बैठ गए हैं, और यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे क्या बनाना है करके। तो ये बेस तैयार कर रहे हैं, पहले लिख रहे हैं उसमें कॉपी में। तो नवनीत ये बॉक्स ले आया है और इसको ठग दिया है दुकानदारों ने। इतना महंगा बेचा है तुझे, 150 का है तो बहुत महंगा है, ऑनलाइन सस्ते मिल जाते हैं। तो सामने सरसों के खेत इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। पहले ज्यादातर फोटो शूट ना सरसों के खेत में ही होती थी, शादी ब्याह के टाइम पे। तो सरसों के खेत इतने अच्छे लगते हैं, इतने सुंदर। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अभी मैं जा रही हूँ पार्लर में, और वैसे 1-2 दिन बाद कहीं जाने की तैयारी चल रही है हमारी। तो लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं वो आपको आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा। और अगले आने वाले 4-5 दिन के ब्लॉग काफी मस्त होने वाले हैं, तो आप बने रहे हमारे ब्लॉग में। फिलहाल मैं पहुंच गई हूँ रेल पटरी के बगल में, सामने है मेन हाईवे और रेल पटरी, और यहाँ से है अंदर अंदर ही रास्ता। तो पार्लर में पहुंचने वाली हूँ, पार्लर में पहुंच चुकी हूँ, देखती हूँ कहीं बंद तो नहीं है, कोई भरोसा नहीं, तो चलती हूँ अंदर। तो आईब्रो बन चुके हैं और अब जा रही हूँ घर को, और अंधेरा भी होने ही लग गया है, आजकल छोटे दिन होते हैं वैसे भी। तो दोस्तों फाइनली घर पे पहुंच चुकी हूँ और अब बनाती हूँ खाना। तो
तो बैग भी पैक कर दिया है मैंने और बच्चे भी सोई गए हैं और पैकिंग भी हो चुकी है। फिर कल निकलेंगे और फिर अगला ब्लॉग देखना, बड़े मस्त आने वाले हैं आने वाले ब्लॉग। तो इसी के साथ आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। नई हमारी फैमिली से जुड़े हैं वो प्लीज़ लाइक जरूर करना। कल मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय।